वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। इंट्रो। आज का हमारा टॉपिक है टैली। सबसे पहले मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ उसके फायदे के बारे में बताता हूँ कि क्या फायदे होंगे उसको सीखने के। तो टैली सीखने के क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले बात, आपको जॉब आसानी से मिल जाती है, 100% आपको जॉब मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ जॉब में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। जैसे मान लीजिए 10,000 से स्टार्ट हुआ तो एक साल के बाद आपके पास कम से कम 15 से 20,000 के आप आदमी बन जाएंगे, वैल्यूबल बन जाएंगे, पर्सन होंगे आप। साथ ही साथ ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है और वैकेंसीज बहुत रहती हैं, रिक्वायरमेंट बहुत रहती है क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बड़े स्तर पे काम चल रहा है। तो आज हम सीखने वाले टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन कैसे? आप ये मान के चलिए कि आप जीरो लेवल सीख रहे हैं। कितने लेवल से? जीरो लेवल। आपका लेवल ये है और अगर आप पूरे वीडियोज देखते हैं तो आप टैली में बिल्कुल काम करने के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टैली। उससे पहले इस वीडियो पे मैं एम रखूंगा 50 लाइक्स का। कितना? 50 लाइक्स का। 50 लाइक्स आपको करके देने हैं क्योंकि मैंने मेरी ड्यूटी कर दी है, अब आपको आपकी ड्यूटी करनी है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? अगर आपको किसी चीज की पहचान करनी है तो आप उसके नाम से पहचान कर सकते हैं। तो टैली के नाम में होता है वो अकाउंटिंग होता है। कहते टी का मतलब होता है टोटल, ए का मतलब अकाउंटिंग, एल का मतलब लीडिंग, एल का मतलब लिस्ट और वाई का मतलब था ईयर। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, ठीक है? एक चार्ट तक उनके आया होगा जिसमें फुल फॉर्म लिखा होगा टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। टी का मतलब टोटल, ए का मतलब अकाउंटिंग, एल का मतलब लीडिंग, एल का मतलब लिस्ट, वाई का मतलब ईयर, ठीक है ना? तो टोटल मतलब होता है सारा, अकाउंटिंग मतलब होता है हिसाब, लीडिंग मतलब होता है क्रम से, लिस्ट मतलब होता है सूची और ईयर मतलब होता है साल। क्या होता है? साल। तो सारा हिसाब क्रम से सूची के रूप में एक साल का विवरण होता है। अगर कोई पूछता है टैली क्या है, भाई सारा हिसाब क्रम से सूची के रूप में एक साल का विवरण रखने वाला एक सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं टैली। तो टैली को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं? क्योंकि इसके नाम में क्या आता है? अकाउंटिंग। इनके पिताजी का नाम क्या है? अकाउंटिंग। अगर आपको टैली समझना है तो पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आज आपको बोला कि हम टैली पढ़ेंगे विद जीएसटी, क्यों नहीं? क्योंकि टैक्सेशन एक अलग पार्ट है, टैक्सेशन एक अलग पार्ट है, अकाउंटिंग एक अलग पार्ट है। लोग बोलते हैं टैली विद जीएसटी सीखिए। अरे विद जीएसटी तो है ही, बट भैया पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाओगे? जैसे बहुत लोग बोलते हैं हम आपको ये सिखा देंगे, ये सॉफ्टवेयर सिखा देंगे। आप सॉफ्टवेयर नहीं सिखाते, आप अकाउंटिंग सिखाते। क्या सिखाते हैं? अकाउंटिंग सिखाते हैं। तो चलिए, टी मतलब टोटल, ए मतलब अकाउंटिंग, एल मतलब लीडिंग, एल मतलब लिस्ट, वाई मतलब ईयर। टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, ओके? कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हिसाब किताब कहाँ लगा सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अकाउंटिंग कहाँ लगा सकते हैं? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, अकाउंटिंग आप कहाँ लगा सकते हैं? तो भाई क्या, हर जगह, एक पान की दुकान से लेके घर के सामान तक में आपका अकाउंटिंग लगता है। कैसे? आप जब छोटे बच्चे, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मा मुझे 100 रुपए देती थी, भैया सब्जी ले आइए। क्या ले आइए? सब्जी ले आइए। तो मैंने बोला अरे यार मेरे को तो कुछ बचता ही नहीं, पॉकेट मनी भी नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से। तो 10 का आलू 12 का हो जाता था अपने मन से, 15 का टमाटर 18 का हो जाता था। तो जुगाड़ी पहले से थे, बचपन से ही बोला ना, टैलेंटेड बचपन से ही, बस बताता नहीं किसी से। सो ये चीज है। So, टैली का फुल फॉर्म टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, आप अकाउंटिंग तो हर जगह लगा सकते हैं, क्या आप टैली हर जगह लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। टैली कहां लगाएंगे आप? टैली लगाएंगे हम हमारे व्यापार में। कहां लगाएंगे? व्यापार में। कहां लगाएंगे? व्यापार में, बिजनेस में। कहां लगाएंगे? बिजनेस में। आपके अकॉर्डिंग क्या है बिजनेस? मुझे नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग क्या है बिजनेस में, व्यापार में दो चीजें आती हैं,
लाभ और हानि। क्या आती है? लाभ और हानि। व्यापार में या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। क्या कोई व्यापारी इतनी हानि चाहेगा? नहीं ना। तो इस पार्ट को कट कर दीजिए। लाभ के लिए किया गया काम क्या कहलाता है? व्यापार। क्या कहलाता है? व्यापार। लाभ के लिए किया गया काम व्यापार कहलाता है। Any work which is done making a profit is called a business. आपकी स्क्रीन पे बिजनेस की एक डेफिनेशन आ रही होगी, तो कृपया उसको नोट कर लीजिएगा। वो काम जो हम लोग फायदे के लिए करें वही व्यापार या बिजनेस कहलाता है। वो काम जो फायदे के लिए किया जाता है वो व्यापार कहलाता है। ठीक है, हमने व्यापार खोल स्टार्ट करने का सोचा, तो सबसे पहले आपके पास किस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए भैया? किस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सीधी सी बात है, पैसे की। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? पैसे की, यानी कि मनी की। और मनी को अकाउंट की भाषा में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। और पूंजी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? अच्छा, जैसे व्यापार आप स्टार्ट करें तो कैपिटल या पूंजी कौन लाएगा? आप ही तो लाएंगे। और आप बिजनेस के लिए क्या है? मालिक है। क्या है? मालिक। व्यापार में मालिक के द्वारा लाया गया पैसा पूंजी या कैपिटल कहलाता है। व्यापार में मालिक के द्वारा लाया गया पैसा पूंजी या कैपिटल कहलाता है। व्यापार में मालिक के द्वारा लाया गया पैसा या पैसे पूंजी या कैपिटल कहलाता है। या कह दे जो भी मालिक इन्वेस्ट करेगा व्यापार में वो उसकी पूंजी है, वो उसकी पूंजी है, कैपिटल है उसकी। क्या है? कैपिटल है। कोई डाउट है कैपिटल को लेकर? व्यापार क्या? लाभ के लिए किया गया काम व्यापार। लाभ के लिए किया गया काम व्यापार। कैपिटल क्या? व्यापार में मालिक के द्वारा लाया गया पैसा पूंजी या कैपिटल कहलाता है। व्यापार में मालिक के द्वारा लाया गया पैसा पूंजी या कैपिटल कहलाता है। नोट कर लीजिए, आपके पास पैसा है और आप व्यापार स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास पैसा है, आप व्यापार स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और क्या चीज रिक्वायरमेंट होगी? क्या पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा? नहीं ना। उसके लिए आपको चाहिए होगी जगह, स्पेस। क्योंकि नोट पर थोड़ी आप बिल्डिंग बनाएंगे, क्या चाहिए होगी? स्पेस चाहिए होगी। स्पेस को बोलते हैं कैपिटल की भी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। संपत्ति, क्या रिक्वायरमेंट है? संपत्ति। बोलते हैं रेलवे आपकी संपत्ति, इसका ख्याल रखिए। इस कॉल एसेट, इस कॉल एसेट। ठीक है ना, एसेट्स। ठीक है, संपत्ति। संपत्ति यहां पे दो तरह की मैंने बताई है। संपत्ति का मतलब वो जिसपे हमारा अधिकार हो, एसेट वो जिसपे हमारा अधिकार हो। दो तरह की होती है, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, टैंजिबल को हिंदी में बोलते हैं चल संपत्ति। क्या बोलते हैं? चल संपत्ति। और इनटैंजिबल को अचल संपत्ति। ये मैं बिजनेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग नहीं अभी चल रहे हैं लोग, क्योंकि बिजनेस में ही अकाउंट्स लगता है। और फिर अकाउंट्स में कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। संपत्ति वो जिसके हमारा अधिकार हो, संपत्ति दो तरह की होती है, टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, संपत्ति एसेट की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ गई होगी। टैंजिबल एसेट के बारे में सबसे पहले समझते हैं, चल संपत्ति के बारे में। क्या होती है चल संपत्ति, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो भैया चल संपत्ति या टैंजिबल एसेट की बात करते हैं। ठीक है, टैंजिबल एसेट की बात करते हैं। टैंजिबल एसेट क्या होती है? वो संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। व्हाट वी कैन टच, फील एंड सी। ठीक है ना, तो जिसको छू सकते हो उसको देख तो सकते सकते हो। और फील क्या करना है? ठंडा हो गर्म। इसको मैं छू रहा हूं, क्या फील कर रहा हूं? ठंडा हो गर्म फील कर रहा हूं? नहीं, क्या फील करना है आपको? आपको ये फील करना है, आपको ये फील करना है कि इस चीज पे मेरा अधिकार है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, एक गली है जिसमें पांच घर हैं। चुन्नू, एक चुन्नू का घर है। ठीक है, मुन्नू, मुन्नू, राजू, बिट्टू। ठीक है, और आपका, आपका मतलब जो देख रहा है उसका घर है। ठीक है, आप गली में घुसे, चुन्नू का घर देख सकते हो? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, वहां लगा थोड़ी है, इधर देखना मना है। चुन्नू का घर छू सकते हो? बिल्कुल छू सकते हो,
करंट थोड़ी लगता है। मुन्नू का घर देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन जाते अपने घर में सबका घर देख सकते हो, छू सकते हो, अपने घर में क्यों? क्योंकि आपका वहां पे क्या है, अधिकार है। क्या है? अधिकार। तो आप क्या महसूस करते हैं? अधिकार, कंपल्शन, बाउंडी। भैया ये चीज करनी तो करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक गए, दूसरा एग्जाम्पल आप बैंक गए, आपने मोटरसाइकिल खरीदी, अपने बैंक से वापस आएंगे बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी होंगी, आप सब की मोटरसाइकिल छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप अपनी ही बाइक क्यों उठाओगे, दूसरे की उठा लो, क्या दिक्कत है? अरे भैया छू सकते देख सकते हैं अपना, न पता लगा आप लोग गए, अरे सर ने बताया टैंजिबल एसेट है, छू सकते देख सकते अपना है, उठा लो, ऐसा नहीं है, उठा नहीं सकते। ये टैंजिबल एसेट जरूर है, लेकिन टैंजिबल एसेट में एक कॉन्सेप्ट होता है अधिकार का, महसूस करने का। तो क्या महसूस करते हैं? अधिकार। क्या महसूस करते हैं? अधिकार। क्या महसूस करते हैं? अधिकार। वो संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है सॉरी, इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ और फील भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? फील कर सकता हूँ। तो फील कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी क्या है? टैंजिबल एसेट है। मेरे लिए मेरी क्या है? टैंजिबल एसेट है। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, 50 लाइक का एम है, और आप, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप सभी को अपनी ड्यूटी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ओके। इसके टैंजिबल एसेट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ चुकी होगी टैंजिबल एसेट के, इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल, आगे बात करते हैं इनटैंजिबल एसेट के बारे में, इनटैंजिबल एसेट के बारे में, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी इस जो स्क्रीन है वो आ जाती होगी, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैं ये व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ समझाने के तौर पे आपको नोट कर रहा हूं। इनटैंजिबल एसेट क्या है? इनटैंजिबल एसेट एक ऐसी एसेट है, इनटैंजिबल एसेट एक ऐसी एसेट है जो ना तो आप देख सकते हैं, ना तो आप छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एसेट है आपके पास जो ना देख सकते ना छू सकते? आप सबके पास है, आपके पास है, जी हाँ आपके पास, आप सभी के पास है, एक एक पर्टिकुलर जो देख रहा है वीडियो। ऐसी कौन सी संपत्ति है भाई? आप लोग बोलेगा हवा, एक तो बोला मेरा एक स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास होगा, मन, मन मेरा मन, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं, मैं मेरे मन पे जीता हूं, मन का राजा। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं हूं, मेरा नाम तुषार तिवारी, एक सलमान खान, अपन छोटे लोगों से कंपेयर नहीं करते, बड़े लोगों से सीधा कंपेयर। मैंने सलमान खान ने एक शर्ट पहनी थी, मैंने उससे ज्यादा महंगी शर्ट पहनी, कॉस्टली। हम दोनों ने अपनी शर्ट उतार के मार्केट में डाली, ठीक है, हालांकि उसका सिक्स पैक है, मेरा फैमिली पैक है, वो बात उसको छोड़ देते, इधर बात करते हैं। किसकी शर्ट कॉस्टली होगी, मेरी या सलमान खान की? ऑफकोर्स मेरी, इट्स अ जोक, सलमान खान की, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है, ठीक है ना, ब्रांड है। क्या है सलमान खान? क्या है? ब्रांड है। कहते नहीं सलमान खान ब्रांड, ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है, वो अपने आप में क्या है, ब्रांड है, ठीक है। तो क्या उसके माथे पे लिखा है ब्रांड है, दिखता है आपको, या बेलना टांग के चलता है कि मैं ब्रांड हूं, ठीक है, नहीं ना। तो ब्रांड ना तो दिखता है, ना ही छुआ जा सकता है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है, ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल पांच दुकानें हैं समोसे की, आप ये दुकान समोसा क्यों खरीदेंगे, क्या रीजन? वो दुकान फेमस होगी, ब्रांड होगी समोसे में। जैसे सैंडीला हमारे किस चीज के लिए ब्रांड है? लड्डू के लिए, आई लव लड्डू, ठीक है। सो आप लोग चाहें तो कभी ला सकते हैं, बिल्कुल मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अभी मत लाइएगा, ठीक है, ब्रांड है लड्डू में, क्या है, ब्रांड है, तो ब्रांड होना चाहिए। तो इनटैंजिबल एसेट वो एसेट जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, जैसे ब्रांड। इसका दूसरा एग्जांपल है गुडविल, ठीक है, गुडविल मतलब तो स्टॉक। जैसे कई सारे आपके मार्केट में, आपके क्षेत्र संडीला में कई सारी ऐसी शॉप्स होंगी जिनको प्रचार की कोई जरूरत ही नहीं, बहुत पुरानी है, 10-10 साल, 15-15 साल पुरानी, इनको कोई प्रचार की जरूरत नहीं, सीधा ठीक है, बिक्रा बिक्री हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रचार नहीं किया होता तो भी चल रही है, लॉन्ग टाइम चल रही है। तो इनटैंजिबल एसेट की डेफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, इनटैंजिबल एसेट वो एसेट है जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते, फील कर सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं अच्छा आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, आपके पास टैंजिबल एसेट भी आ गई, इनटैंजिबल एसेट भी आ गई। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपके टैंजिबल एसेट कुछ भी हो, कितनी भी कम हो,
आपकी चल संपत्ति कम हो, लेकिन अचल संपत्ति बहुत होनी चाहिए आपका, आप ब्रांड होना चाहिए, अगर चलना है ना तो ब्रांड बनना पड़ेगा। मैं कहता हूं ना, मेरी कहावत है ये, मैंने लिखा, मैं कॉपी नहीं करता किसी को, ठीक है, हालांकि लोग ठीक है कोई नहीं, ठीक है। अचल संपत्ति में मेरी कहावत है, जिसको दौड़ना है दौड़ने दो, जिसको दौड़ना है दौड़ने दो, जिस दिन हमने चलना शुरू कर दिया सबको पीछे छोड़ देंगे, ये मैंने खुद से लिखा है, कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं करता, ठीक है। जिसको दौड़ना है दौड़ने दो, जिस दिन मैंने चलना शुरू कर दिया सबको पीछे छोड़ देंगे। अचल संपत्ति ब्रांड है, तो कोई भी आ जाए हम 10 रुपए लेकर भी 10,000 बना देंगे, हम 10 रुपए लेकर भी 10,000 बना देंगे, और अगर आपके पास अचल संपत्ति नहीं है तो 10,000 के वापस से 10 रुपए हो जाएंगे, समझ गए ना। अचल संपत्ति का क्या महत्व होता है, ब्रांड, गुडविल, अरे अगर अपनी भाषा में बोले तो व्यवहार, क्या बोलते हैं व्यवहार, अरे भैया का व्यवहार बहुत चौकस है, क्या है, बहुत चौकस है, मतलब तो भैया प्यार मोहब्बत रखिए, व्यवहार बनेंगे सबसे, क्योंकि व्यवहार में मजा है सब। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं आपने बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले आपके पास दायित्व आएंगे, आपकी आय आएगी, मतलब इनकम आएगी, या पहले लायबिलिटीज आएंगी आपके पास। तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो पहले दायित्व आएंगे, क्योंकि जब खर्चे होंगे तभी तो इनकम होगी, है ना, जब खर्चे होंगे तभी तो इनकम होगी। तो दायित्व पहले समझ लीजिए तीन तरह के होते हैं, दायित्व क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। दायित्व वो जो देना ही देना पड़े, एनी अमाउंट इज पेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। दायित्व वो जो देना ही देना पड़े और दायित्व वो जो देना ही देना पड़े, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं, पहले तो खर्चे, दूसरे होते हैं खर्चे के साथ साथ पूंजी, पूंजी भी आपकी दायित्व है, और लेनदार, ठीक है, लेनदार। खर्चे, बिजली का बिल देना आपका दायित्व है, अगर बिजली का बिल नहीं देगा तो बिजली कट जाएगी, तो बिजली का बिल देना क्या है, दायित्व। अगर आप पानी का बिल नहीं देगा तो पानी की लाइन कट जाएगी, तो पानी का बिल देना क्या है, दायित्व। इसी तरह सारे खर्चे देना आपका क्या है, दायित्व है, क्या है, दायित्व है, लायबिलिटी है। बात करते हैं पूंजी कैसे लायबिलिटी है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है यार पूंजी क्या बात कर रहे हो, संपत्ति पागल समझा है क्या आपने को, नहीं ना पागल समझा, नहीं नहीं भाई पागल नहीं समझा। सपोज करो दो लड़के हैं, एक पप्पू और दूसरा बिट्टू। पप्पू बिट्टू दो लड़के हैं, पप्पू ने के पापा ने, पप्पू के पापा ने पप्पू को 3,00,000 रुपए दिए, और बिट्टू के पापा ने बिट्टू को 3,00,000 दिए, ठीक है। इसका 3,00,000, पप्पू का 3,00,000 10,00,000 बदल गया, और इसका 3,00,000 जीरो हो गया। क्या डिफरेंस था इनके 3,00,000 में, इनके 3,00,000 में डिफरेंस बस इतना था कि इनका जो 3,00,000 है इन्होंने अपना दायित्व समझा। अच्छा मैंने अभी बताया आपको, जो देना ही देना पड़ेगा, मतलब पूंजी क्या करनी पड़ती है बिजनेस में, देनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ठीक है, बिजनेस में पूंजी देनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आप बिजनेस को देंगे नहीं पैसा, और देना ही क्या कहलाता है, दायित्व कहलाता, समझ गए ना। लेनदार, क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर और डेबिटर का कॉन्सेप्ट मैंने अपने उसमें ऐड किया हुआ, तो इसको मैं अलग से बताऊंगा आपको। आई होप आप दायित्व समझ गए होंगे, आपके सामने दायित्व आ गया होगा। दायित्व तीन तरह के होते हैं, वो भी आपको जान गए होंगे, स्क्रीन से जो भी आपके सामने आता है वो आप नोट कर लिया करें। आगे बात करते हैं लेनदार और देनदार के बारे में। एक लड़की है जिसका नाम है स्नेहा, एक लड़की है स्नेहा, इसकी शॉप है, एक लड़की है स्नेहा, इसकी शॉप है, और एक लड़का है, एक लड़का है अमित, एक लड़की है स्नेहा, एक लड़का है अमित। अमित कस्टमर है, और ये किराने की दुकान है,
अमित ने कहा मुझे बिस्कुट चाहिए, इसने इसको बिस्कुट दे दिया। पार्ले जी, पार्ले जी खाई गए, जी फॉर जीनियस बनी, इसने 10 रुपए इसको दे दिया, 10 रुपए वाला पार्ले जी। अब आपके अकॉर्डिंग इनमें से लेनदार कौन है, आपके अकॉर्डिंग इनमें से लेनदार कौन है, पहला कौन सा? अब आप कहेंगे दोनों ही लेनदार है, बिस्कुट ले रहा है, पैसे ले रहा है। मैंने कहा दायित्व किधर जनरेट हो रहा है, मैंने बताया ना कि लेनदार क्या होता है, दायित्व होते हैं, ठीक है। पैसा ले कौन रहा है, स्नेहा ले रही है, दे कौन रहा है, अमित दे रहा है, दे रहा है ना अमित, देख रहा है आप लोग भाई, अमित दे रहा है, अमित दे रहा है ना, तो पैसा कौन दे रहा है, अमित दे रहा है, कौन दे रहा है, अमित दे रहा है। तो ले कौन रहा है, स्नेहा, किससे, अमित से, तो अमित तो लेनदार होगा नहीं, पैसा कौन ले रहा है, दायित्व किधर ले रहा है, स्नेहा का दायित्व तो नहीं है बिस्कुट देना, कि अगर ये बिस्कुट खरीदने नहीं आएंगे तो इनके घर जाएंगे, मेरा दायित्व पीस ले 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 ले, कर्तव्य कर्तव्य है मेरा, मुझे बिस्कुट देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन अगर इन्होंने बिस्कुट दिया इनको तो पैसे तो ये लेंगी ही लेंगी, और अमित को पैसे देना ही देना, वरना बिस्कुट छीन लेंगे, बिना पैसे के बिस्कुट नहीं देंगे, ठीक है। तो लेनदार कौन होगा, स्नेहा होगी, क्योंकि लेनदार क्यों, लेनदार का मतलब था पैसा लेने वाला, लेनदार का मतलब क्या होता, पैसा लेने वाला, अमित का दायित्व बनता है, देखिए इधर इधर समझिए, इधर आ गया हूं बिल्कुल टेढ़ा हो गया हूं, अमित का दायित्व बनता है कि पैसा देगा ही देगा, क्योंकि बिस्कुट उसने क्या क्या लिया है, स्नेहा का दायित्व नहीं है बिस्कुट देना, वो लेंगे या गरज होगी तो लेंगे, नहीं लेंगे गरज होगी तो नहीं लेंगे, बिस्कुट ले लिया तो पैसा देना मतलब दायित्व, मतलब दायित्व 100% पैसा देना ही देना पड़ेगा, तो ये होगा लेनदार, कौन हो गए, लेनदार क्रेडिटर, ठीक है। और ये दायित्व होंगे किसके लिए, दायित्व होंगे अमित के लिए, कैसे, मैंने बताया ना अमित को पैसा देना ही देना पड़ेगा, तो अमित के लिए दायित्व कौन है, स्नेहा दायित्व है, स्नेहा कौन है, दायित्व है, ठीक है। तो मैं इसको एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लायबिलिटी, ओके, क्योंकि अगर मैं उधर जाऊंगा तो फिर आसमान नहीं पाएंगे। अच्छा, लायबिलिटी, लेनदार का मतलब होता है पैसा लेने वाला, मैं आ ही जाता हूं इधर, पैसा लेने वाला, अगर ये लेनदार है तो ये क्या है, देनदार होंगे, सीधी सी बात है, देनदार, देनदार क्या होता है, पैसा देने वाला। अकाउंट हमेशा टू साइड होता है, ठीक है, दो तरफ से होता है, टू साइड्स, कभी सिंगल साइड्स नहीं होता, ठीक है। पहले बहुत चला था सिंगल एंट्री, कभी कुछ नहीं होता, ठीक है, हमेशा डबल एंट्री सिस्टम चलता है शुरुआत से। अब जिनको पता नहीं है उनको पता नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट में अभी आपको समझा देता हूँ, क्या मतलब दिक्कत थी, क्या उनके दिमाग में चलता था कीड़ा, ठीक है। अच्छा, ये अमित के लिए तो दायित्व है स्नेहा, अमित के लिए तो दायित्व है स्नेहा, तो स्नेहा के लिए अमित क्या है, क्योंकि देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से सिर्फ कंटाप बजता है, क्या बजता है, कंटाप, ओके। तो बात करते हैं स्नेहा के लिए। अच्छा ये तो भाई, स्नेहा की अगर किराने की दुकान है, स्नेहा की अगर किराने की दुकान है तो क्या उसकी गवर्नमेंट सैलरी है, इनकम कहां से आएगी, कस्टमर से है ना, तो कस्टमर कौन है, देनदार। तो देनदार कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम, क्या होता है, इनकम, ठीक है, इनकम मतलब आय, क्या होता है, आय। तो गौर फरमाइएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ये लायबिलिटी मतलब दायित्व तो हो गई, ये इनकम मतलब आय हो गई, तो भैया कोई दिक्कत हो नहीं है ना। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं इसको, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। जब भी, अब पहले मैं स्नेहा बनता हूं, पता नहीं तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, पहले मैं स्नेहा बनता हूं। जब भी हम कोई सामान सेल करते हैं, यहां पे स्नेहा सेल कर रही है, सेल करती है। अच्छा बात बताइए, जब अगर सेल करेगी जो, मतलब बिल कौन बनाएगा, जो सेल करेगा या जो परचेस करेगा, आप कहेंगे जो सेल करेगा, मतलब स्नेहा बिल भी बनाएंगे, बिल बनाना, चाहे सेल करो चाहे बिल बनाओ, इस दो तरह के ट्रांजेक्शन आती ना। अगर कोई कहता है यार बिल बनाना है तो इसका मतलब सेल हुई है, अगर कोई कहता सेल करना है इसका मतलब बिल भी बनाना है। चाहे सेल करो चाहे बिल बनाओ, सामने वाली पार्टी देनदार, सामने वाली पार्टी देनदार, देनदार मतलब डेबिटर, सामने वाली पार्टी देनदार, और देनदार कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम, देनदार कंपनी के लिए क्या होता है, इनकम, और देनदार का मतलब पैसा देने वाला, पैसा देने वाला। जब भी हम सामान सेल करते हैं या बिल बनाते हैं, सामने वाली पार्टी देनदार, देनदार कंपनी की इनकम, इनकम मतलब आय, और देनदार का मतलब होता है पैसा देने वाला। अब मैं बनता हूं अमित, अमित
जब भी हम सामान परचेज करते हैं, सामान खरीद रहे हैं, इधर से बहुत दिक्कत होती है, खरीद रहे हैं, स्पेस भी कम है ना, खरीद रहे हैं, अच्छा खरीद रहे तो बिल ये बना रहे तो बिल आपको मिलेगा या बिल मिलना, ठीक है, या बिल मिले। जब भी हमको सामान परचेज करते हैं, सामने वाली पार्टी लेनदार, सामने वाली पार्टी लेनदार, ठीक है, लेनदार मतलब पैसा लेने वाला, और वो हमारे लिए क्या होता है, दायित्व होता है, हमारे लिए क्या होता है, दायित्व, लेनदार हमेशा हमारे लिए क्या होगा, दायित्व होगा। आपको अकाउंट्स को अगर सरल बनाना है तो अपने आप को रख के देखना पड़ेगा, आप अपने आप को रख के देखिए और समझिए, एक बाहर की पार्टी जिससे आप, जिसको आप दे रहे हैं और जिससे आप खरीद रहे, वो भी आपकी बाहर की पार्टी है, ठीक है, तो आपने आपको सेंटर में रखिए, कहां रखिए, सेंटर में। अंडरस्टूड, कोई डाउट है? नहीं ना, तो बस आप अपने अकाउंट में अपने आप को कभी नहीं रखेंगे, इसका एग्जांपल मैं आपको भी दे दूंगा। डायग्राम समझ में आया? लेनदार डेबिटर की डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ रही है, डेबिटर, डेबिटर मतलब देनदार, किस पे आपके पास आ रही है, उसके बाद क्रेडिटर की आपके पास आ रही है, डेबिटर मतलब देनदार, पैसा देने वाला, क्रेडिटर मतलब पैसा लेने वाला, ओके, कोई डाउट? डेबिटर कंपनी का इनकम होता है, क्रेडिटर कंपनी का लायबिलिटी, दायित्व होता है, दोनों स्क्रीन आपके सामने आ गए होंगे, उनको नोट कर लीजिए अच्छे से, और वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है भाई, अभी तो वीडियो शूट करना है, एडिट करना है, फिर उसके बाद बहुत सारे काम है। चलिए आगे बात करते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, खत्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या रहता है, हमें अपने अकाउंट को क्यों नहीं अपने बारे में बताना था, इसका छोटा सा एग्जांपल आपसे उठाता हूं। आपका एक दोस्त आया, उसने आपसे कहा उधार दे दो यार 500 रुपए का, ठीक है, तो आपने दे दिया, लेकिन हम डायरी में चढ़ाएंगे अपनी, जिस पे चढ़ाते होंगे, तो आप कैसे चढ़ाएंगे? जैसे एक लड़का है शुभम और एक लड़का है किसको ले ले हर्षित, ठीक है, शुभम ने हर्षित को उधार दिया, सपोज करिए शुभम ने हर्षित को उधार दिया, शुभम ने हर्षित को उधार दिया, तो कैसे चढ़ाएंगे? शुभम ऐसे चढ़ाएंगे, शुभम ने हर्षित को, शुभम अपनी डायरी चढ़ा रहे हैं, शुभम ने हर्षित को 500 रुपए दिए पहला तरीका, या हर्षित को 500 रुपए दिए, ये दूसरा तरीका, दो तरीके हैं। अपनी डायरी में शुभम चढ़ा रहे हैं, शुभम ने हर्षित को 500 रुपए दिया, या दूसरा तरीका अपनाएंगे, हर्षित को 500 रुपए दिया, कौन सा? मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही सेकेंड वाला चढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरी डायरी है और मैं अपना नाम क्यों चढ़ाऊं, बार बार भाव क्यों खाऊं। देखिए जो अपना नाम बार बार लेता है ना कि मैं ये हूं, वो समझ लीजिए ईगोइस्टिक पर्सन है। अरे मैं तो ये भी कर सकता हूं, मैं तो वो भी कर सकता हूं, मैं तो दुनिया के ये तीर मार लूंगा, ठीक है। तो आपको अकाउंट हमेशा सिखाता है सादगी, क्या सिखाता है? सादगी, अपने बारे में नहीं बोलना, खामोश रहना, बिल्कुल नहीं, हमेशा सामने वाले की तारीफ करो, मार्केटिंग का नियम है यार, आप सामने वाले की बड़ाई करो वो पिघल जाएगा। मार्केटिंग में जितने बड़े मार्केटर्स थे वो कहते हैं एक चाय में हम लोग कस्टमर खरीद लेते हैं, एक चाय में, इसका मतलब समझते हैं आप, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। जाते जाते बस आखिरी एक चीज बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जिसमें सारे आपके ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, सारे जो भी आपके खाता बही अकाउंट चलता है वो वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग चलता है। वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च, आपके सामने स्क्रीन पर लिख के आ गया होगा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल के डेफिनेशन आ गई होगी, उसको नोट कर लीजिएगा सरल भाषा में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिए।